अस्सलाम वालेकुम जनाब, अगर आप बिजनेस कम्युनिटीज़ को देखेंगे वर्ल्ड वाइड, तो आपको एक बात नज़र आएगी कि वहाँ उन कम्युनिटीज़ में बहुत यंग लड़के बहुत आराम से कारोबार कर लेते हैं और रिस्क बेयर कर लेते हैं, उनको कारोबार की समझ आ जाती है। तो अगर आप उसका एक पैटर्न नोट कीजिए, पहले तो मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि मैं ये चीज़ ले कहाँ से रहा हूँ। डॉक्टर उमर जावेद हैं, जो CBM के प्रोफेसर हैं, IOBM या CBM में होते हैं, उनका PhD इस पर है कि पाकिस्तान की कम्युनिटीज़ बिज़नेस कैसे करती हैं। तो वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, एग्जैक्टली वो बात नहीं होगी, बात मिक्सअप होगी कुछ उसमें, लेकिन आप उनको ज़रूर सर्च कर सकते हैं विद फॉर हिज रिसर्च पेपर्स। अच्छा जनाब, मैं आता हूँ वापस अपनी बात पे। तो इन कम्युनिटीज़ का अगर आप एक पैटर्न नोट करेंगे, यू विल ऑब्जर्व के इनमें से अक्सर लोगों के यानी अक्सर कम्युनिटीज़ में बहुत यंग लोग बिजनेस को बहुत आराम से क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से बच्चे जो है ना वो बिज़नेस के साथ होते हैं। घर पे भी बिज़नेस की बात हो रही है या बच्चे वालिद साहब के साथ बिज़नेस में जा रहे हैं, इन्वॉल्व हैं या दुकान पे जाके बैठ रहे हैं। आप मेहमान हजरात को देख लीजिए, आप कोयटा के चाय वालों को देख लीजिए, दिल्ली वालों को देख लीजिए, तो मेजॉरिटी जगहों पे आपको आज ना सही तो कुछ साल पहले ऐसा ज़रूर नज़र आता था। हो सकता है आज भी वो इस मॉडर्न एजुकेशन को सामने रखते हुए स्कूल्स भेज देते होंगे ज़्यादा बच्चों को, लेकिन पास में ऐसा ज़रूर होता था। तो वो बच्चा बचपन से उस चीज़ों को इन्वायरमेंट में रहते हुए ही सीख लेता था। अच्छा, अब हम में से जो लोग बिज़नेस नहीं करते या जॉब करते हैं या उनके बिज़नेस का ये नेचर नहीं है या वो ले जाते हुए डर रहे हैं, तो व्हाट दे कैन डू, वो अपने घर में कोई बिज़नेस छोटा सा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सिर्फ बच्चों को सिखाने की नीयत से। जैसे जब मैं जॉब करता था, अभी भी मैं कुछ जगहों पे टीचिंग वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन फिर 9 to 5 जॉब नहीं कर रहा। तो जब मैं कर रहा होता था, यानी मेरा पर्सनल काम इतना नहीं होता था ऐसा कि जिसमें मैं अपने बेटे को साथ इन्वॉल्व कर सकूं, तो एट दैट टाइम वी स्टार्टेड अ स्मॉल शॉप एट आर होम। हमारे कमरे में छोटी सी थी और हमारे अपने घर के ही जो हमारा जॉइंट फैमिली है, तो घर के बच्चे ही आगे चीज़ें ले लिया करते थे। मेन मकसद उसका बस ये सिखाना था बच्चे को कि बिज़नेस कैसे होता है, कैसे चीज़ें ली जाती हैं, उनको होल्ड किया जाता है और कैसे उसको जो है ना वो सेल आउट किया जाता है। हमारा उससे कोई प्रॉफिट ना बनना था ना हम बनाना चाह रहे थे, लेकिन एक बिज़नेस प्रोसेस उसको यानी उसके सामने एक चीज़ होती है। तो ये चीज़ बहुत आराम से हम इसे वो कर सकते हैं अगर आपका अपना बिज़नेस है, और अगर नहीं है तो आप कोई सैम्पल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ को शुरू से ऑब्जर्व करे और जो रिस्क लेने का जो एक खौफ है वो उसके दिल से निकले। और वो और ना सिर्फ ये कि खौफ निकलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो हर काम करता रहे, खौफ निकलने का मतलब ये है कि वो रिस्क ले, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले, जो मेरी पिछली वीडियोज़ में आपको बात नज़र आई होगी। जज़ाकअल्लाह।